का मान रखते हुए उन्हें नमन करते हैं, उन्हें जोहार करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं। लेकिन एक सवाल है, ये आंदोलन करने वाले छात्र क्रिमिनल कैसे हो गए आपके नजरों में, वे अपराधी कैसे हो गए? एक तो आप फर्जी केस डाले हैं सिंदरी कांड, उसके बाद लोगों को आप ये ध्वंस दिखा रहे हैं महोदय कि जरा महतो क्रिमिनल है। क्या हमारा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कोई ऐसा मामला किसी जो हमें और आप तक ये संदेश पहुंचाता हो? खैर वो बातें बाद में, पहले जो भी दर्शक देख रहे हैं सुन रहे हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि आज स्थानीय बलियापुर क्षेत्र के स्थानीय बलियापुर सिंदरी स्थानीय लोगों ने हर्ल जो कभी एफसीआई था उसी का एक नया प्रारूप है, एक कंपनी है जो प्रोडक्शन के कार्य स्टार्ट की है। उस प्रोडक्शन के कार्य में नियोजन पाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने सभा बुलाई थी, सभा नहीं एक रणनीति बैठक बुलाई थी जिसमें यह चर्चा होगी कि अपनी अधिकार की मांग को वो कैसे रखेंगे। तो उसी क्रम में हमें निमंत्रण मिला था और सोशल मीडिया में एक्चुअली स्पष्ट करना चाहेंगे हमें जानकारी नहीं थी कि 27 तारीख को हर्ल के मुद्दे को लेकर ग्रामीणों की बैठक है। हाँ, इसे कई पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने अपने स्तर से कर रही है, लेकिन चूंकि ये नॉन पॉलिटिकल था और मुझे ये जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज को वायरल किया कि हम भी उपस्थित हो रहे हैं। तो फाइनली वहां के सभी लोगों ने कहा जब आपका चर्चा हो चुका है तो कम से कम एक 5 मिनट के लिए आइएगा। तो उस जानकारी मिलने के बाद हम लोग गए हुए थे नहीं जाने की तैयारी में थे। सुबह सुबह जानकारी मिलती है कि लगभग 12 बहन प्रशासन की टीम माननीय क्षेत्र के डीएसपी महोदय नेतृत्व करते हुए दर्जनों थाना प्रभारी सैकड़ों जवानों के साथ मुस्तैद होते हैं और वो एक ही लाइन कहते हैं कि जरा महतो नहीं आना चाहिए। वो ये नहीं कहते हैं मीटिंग करना है आप लोग कीजिए, कोई मना नहीं है, बस जरा महतो नहीं आना चाहिए क्योंकि वो क्रिमिनल है। डीएसपी महोदय, जिस जमीन में आप जब खड़े थे आज ना, अपनी पूरी टीम के साथ संभव है हमें अरेस्ट करना चाहते थे, खैर कर लीजिए, संविधान का सम्मान है, कानून का सम्मान है। वो जमीन जिसमें आप खड़े थे लगभग लग रहा है कि 2 गांव उसमें अट जाएंगे। पता है महोदय, माननीय डीएसपी साहब, 2 रुपया डिसमिल खरीदा गया है। तो इसलिए अगर आप अपनी वर्दी अपने ओहदे का वास्तव में अगर दम दिखाना चाहते हैं तो उन लोगों को दिखाइए जो अतिक्रमण करके बैठे हैं, जो कब्जा करके बैठे हैं। 2 रुपया डिसमिल हमने दिया है, हमारे लोगों ने, उनके पुरखों ने 2 रुपया डिसमिल दिया है सर, और आप हमें दोष दिखा रहे हैं क्रिमिनल है। बढ़िया है, जितना सताना है सताइए, गुलगुलाम सताने के कारण ही आता है महोदय। हाँ, आप अगर दबाव में है तो स्पष्ट कहिए। और एक बात महोदय, आपके पद का, आपके एजुकेशन का, आपके जो ओहदा है उसका सम्मान करते हुए स्पष्ट कहना चाहेंगे, अगर वास्तव में आपको लगता है कि आपके क्रिमिनल पर आप अंकुश लगाना चाहते हैं तो जाइए सिंदरी के सड़कों पर निकल जाइए, बलियापुर के सड़कों पर निकल जाइए, लाखों का अवैध कोयला का कारोबार हो रहा है, उन पर दिखाइए दबंगई, तो सच में फिल्मों में नहीं वास्तव में सिंघम रूप दिखाइए ताकि पुलिस जनता का हीरो बन सके। वास्तविक बात, किसी ने कहा कि भाई क्रिकेटर का लोग फैन होते हैं, सेलिब्रिटी हीरो का फैन होते हैं, किसी राइटर का फैन होते हैं, पुलिस का फैन तब बनेगा जब वो वास्तव में जो लोग हैं दबंग और माफिया और जो क्रिमिनल, उन पर अंकुश लगाएंगे। अब जरा मातो कहते हैं क्रिमिनल है, क्या हमने बिगाड़ा आपका, ना आपके प्रशासन का, हमने क्या बिगाड़ा है? हम तो उन लोगों के अधिकार को आवाज बनने जा रहे थे, हमारा ये भी सामर्थ्य नहीं है कि हम उन लोगों को अधिकार दिला देंगे, हमारी ये क्षमता नहीं है महोदय, हम एक छात्र हैं। हाँ, लोकतंत्र में मोड़ी की संख्या, सर की संख्या लोकतंत्र को मजबूत करती है, सर की संख्या आंदोलन को मजबूत करती है, तो हम आंदोलन को मजबूत करने जाते हैं। हाँ, ये सच्चाई है। फिलहाल हम एक छोटा सा विचार बनकर आए हैं सामने, तो हमारे विचारों से लोग ओतप्रोत होते हैं, उन्हें एक पॉजिटिव व्यू मिलता है, उनके समर्थन में जाते हैं। आपका वीडियो है, बिल्कुल आपके एक शायद इंस्पेक्टर रैंक है के व्यक्ति हैं, कह रहे हैं जरा मातो नहीं आना चाहिए। अरे भाई ठीक है, उसके बाद वो यह भी कहते हुए गए कि अगर आएगा तो और एक फर्जी केस होगा, और एक फर्जी केस, ध्यान दीजिएगा महोदय, और एक फर्जी केस, यानी एक फर्जी केस आप दे चुके हैं। सच्चाई है, सिंदरी में जो
प्रशासन और ग्रामीणों के बीच जो थोड़ी सी झड़प हुई थी, टुतुमे में हुई थी, वो कहीं ना कहीं फर्जी केस तो आपने डाला ही है। 307 353 का धारा तो लगा दिया इस छात्र पर, इस यानी आप तैयारी में और एक फर्जी केस, स्वागत है आपका। अगर आपको मैंने अपना ड्यूटी गरीबों पर ही दिखाने का तो फिर आपका स्वागत है, नहीं अगर वास्तव में अपने यहां से अगर आवाज आती है इसको सुनते हैं तो जाइए आपके आपका जो एरिया है वहां चले जाइए, देखिए रातों को कितना हैवा हैवा कोयला लेकर लोड होकर पार हो रहा है क्रिमिनल लोग। क्रिमिनल वो है, हम लोग छात्र हैं महोदय। दूसरी बात, अगर आप पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है कि भी हमारा सिंदरी जाना अच्छा नहीं लगता है तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ शर्त है हर्ल पर स्थानीय लोगों को नियोजन मिलना चाहिए। 2 रुपया डिसमिल अबरा छबरा के उनके बाप दादाओं का 2 रुपया डिसमिल जमीन गया है। और जितने भी दर्शक गण आज इस वीडियो में हैं, आप भले सिंदरी कारखाना को हार्ल चाहे एफसीआई को ऊपर से नहीं देखे होंगे, लेकिन कम से कम हवाई पट्टी का जो मैदान है उसको एक बार देख कर आइएगा, जरूर आइएगा और देखिएगा, बस अपनी आंखों से देखिएगा हवाई पट्टी का जो ग्राउंड है वो कितना बड़ा है। इसलिए बात कह रहे हैं कि उतना बड़ा ग्राउंड जहां तक हमको जानकारी मिली है 2 रुपया डिसमिल, हो सके और भी आप लोग वास्तव में प्रशासन और पुलिस विभाग के लोग जो कार्यपालिका के अंग हैं, अगर आप लोग सच्चे मन से निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो जाइए, जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, यदि कंपनी वहां पर कोई कार्य नहीं करती है तो ग्रामीणों को जमीन मिलना चाहिए। क्या इस पर आप साथ देंगे? ग्रामीणों को साथ दे सकते हैं क्या? आपकी वर्दी आपको ये इजाजत दे पाएगी? अगर देती है तो आपकी वर्दी को भी नमन, आपको भी नमन, लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि सताना धमकाना डराना ये आम व्यक्ति के लिए है, ये गांव वालों के लिए है, ये गरीब लोगों के लिए है। 2 रुपया डिसमिल सर, हो सके आप यहां नए आए हैं, नए डीएसपी बनकर आए हैं सर आप, 2 रुपया डिसमिल है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ना, अगर आपका कोई परिवार का कोई सदस्य होता जिसका जमीन गया होता 2 रुपया डिसमिल, अगर गया है तो उनके प्रति हम सहानुभूति रखते हैं सर, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आपका आपका गांव जिसमें आपके मामा मौसी काका जेठा जेठी आपके सगे संबंधी उनको 2 रुपया डिसमिल जमीन लेकर बेघर किया गया है, कैसा लगेगा सर, कैसा लगेगा बताइए? माननीय महोदय आपसे निवेदन होगा, 2 रुपया डिसमिल कुछ आभास हो रहा है आपको? और आप कह रहे हैं हम लोग क्रिमिनल है। पहला बात, गांव वाले हर्ल का जो प्रोडक्शन है वहां अपना अधिकार मांग रहे हैं, अगर उनका अधिकार मांगना अपराध है और वहां जाना समर्थन देना अगर अपराध है तो हाँ हम लोग अपराधी हैं, काहे मेहनत कर रहे हैं सर। और एक निवेदन होगा, जितने भी प्रशासन के लोग या पुलिस विभाग के लोग हमसे नाराज नाखुश चल रहे हैं उनसे निवेदन होगा, जब हम लोग अपराधी हैं तो ये अरेस्टिंग क्यों हुआ? अगर शूटिंग साइट का अगर आपको परमिशन मिलता है तो ईमानदारी से कहते हैं एकदम शूट कर दीजिए, इसलिए कह रहे हैं सर हम गरीब छात्र हैं, अगर आप हमको घायल करना कोशिश कीजिएगा तो हम आपसे विनती करेंगे घायल ना करें सर, पाँव में मार के कपार में मार के लाठी मार के घायल नहीं करेंगे सर, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं इलाज नहीं कर पाएंगे सर, इससे बेहतर एकदम शूट सर। किस्सा खत्म, अफसोस नहीं होगा, कसम से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, किस्सा ही खत्म हो जाएगा, एक पैसा अफसोस नहीं होगा, एक पैसा अफसोस नहीं होगा, घायल मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट होगा माननीय डीएसपी महोदय, क्योंकि आज आपका तेवर देखें वहां के लोग, हम तो देख नहीं पाए, हमारे साथियों ने आपके तेवर के बारे में बताया, तो आपका ये तेवर का हम सम्मान करते हैं, आपका नमन करते हैं एकदम, ये पांव हाथ में कभी इस तरह प्रयास नहीं कीजिएगा, ये सर देख रहे हैं एकदम बीचों बीच शूट कर दीजिएगा, हो सके बहुत आपको पीठ पीछे बहुत आपको समर्थन मिलेगा, बहुत समर्थन मिलेगा सर आपको, बहुत लोग खुश हो जाएंगे, बहुत सारे विधायक सांसद आपको फोन करके बधाई देंगे, अरे बड़ा अच्छा काम किया छोड़ा मार दल, निवेदन होगा घायल अवस्था में मत रखिएगा, गरीब लोग इलाज नहीं कर पाएंगे। आज पता है कि नहीं आपको, आज हम 1 महीना से बीमार है लेकिन चुप नहीं बैठे, कारण मेरा एक ही को कोटेशन है, हमको बीमारी पसंद नहीं है, मृत्यु पसंद है हमको बीमारी नहीं, बीमार होकर हम घर में नहीं बैठ सकते, मर सकते हैं बीमारी पसंद नहीं, ठीक उसी प्रकार हमको घायल होना पसंद नहीं है सर, इसलिए आप कृपया अगर आप सोचे हैं कुछ तो आपसे निवेदन होगा शूट कर दीजिएगा, अगर अपराधी हैं तो शूट कर दीजिएगा। दूसरा बात, आप सिंदरी मामले को लेकर कहते हैं, अरे उसमें नामजद है, नामजद होने से कोई अपराधी हो जाता है, और वो किसी पब्लिक ने केस नहीं किया तो प्रशासन का केस है महोदय, थाना प्रभारी ने केस किया है, तो आपको तो जिसका जिसका मन किया आपने नाम डाल दिया,
आपके पास अगर कोई फुटेज है सिंदरी मामले का, जिसमें अगर ये लड़का अगर कोई भी असामाजिक या फिर ऐसा कार्य कर या ऐसा शब्द बोलते हुए देखा गया है, तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं, हम खुद जाकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। अगर आपके पास एक भी कोई एविडेंस है, इसलिए आपसे निवेदन होगा पुनः आपके पद, आपके कद, आपकी शिक्षा, आपके दायित्व, आपके कर्तव्य का सम्मान करते हैं, आपको नमन वंदन करते हुए आपसे हम यही कहना चाहते हैं, हमें वहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए उन गरीब गांव वालों को इंसाफ दिलाने में अपना सहयोग दें, आपको आभार करेंगे। लेकिन हाँ, अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है और लोग हमें बुलाएंगे तो हम आएंगे। आंधी आए, तूफान आए, आसमान हिले, धरती हिले, फर्क नहीं पड़ता है, हम आएंगे। आप लोग सच्चाई का साथ दें, आप लोग अपराधी को अपराधी कहिए, आप लोग अपराधी को अपराधी कहिए, हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं कहेंगे, यदि लोग बुलाएंगे, शोषित वंचित पीड़ित लोग, हम आएंगे, हम लोग आएंगे। उसके बाद आपको जो आपको अपना ड्यूटी निर्वहन करते हुए अगर किसी निर्दोष को अपराधी कहना अगर उचित लगता है तो आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। बिल्कुल राहुल बाबू, डीबीसी प्लांट मैक्सिमम हम लोगों की जमीनों पर, कोयला का खदान हम लोगों की जमीनों पर, हमें क्या मिला? अरे उच्च अधिकारियों को तो स्पष्ट, धनबाद में जो भी कोयला अंचल में आते हैं सबको मोटा रकम मिलता है, सबको मैक्सिमम। अगर दो चार लोग ईमानदार हैं तो उनको नमन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कोयला अंचल में अधिकारी आते हैं प्रशासन से पुलिस विभाग के, सबको मोटा रकम मिलता है। अरे एक मामूली थाना प्रभारी 10 लाख 20 लाख देकर ट्रांसफर कराता है, हमें क्या मिला? कोयला खदान हमारी जमीनों पर, बड़े बड़े उद्योग हमारी जमीनों पर, और हमें अपराधी शब्द, कभी नक्सलवादी शब्द, कभी गोली। इसलिए आपसे निवेदन होगा, आपको अगर लगता है और आपका अगर दायित्व यही कहता है तो स्वतंत्र है, बाकी इस तरह बयान देने से पहले एक बार सोचें, आप एक ओहदे पर हैं। और पुनः कहेंगे, जिस सिंदरी मामले को लेकर आप ये जो दलील दे रहे हैं महोदय, और आपके जो प्रशासन के लोग, उनसे कहिएगा वो आपने खुद वो केस किया है, और आपका मन जिसको आपको पसंद लगा जिसको ना पसंद लगा डाल दो, जो आगे बढ़ रहा है डाल दो, पॉलिटिकल प्रेशर, अगर आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर है अगर कोई पीछे से, तो उसको कहिए, उनका तो भाड़े का भी गुंडा होता है, आप लोग का सहारा क्यों ले रहा है? बोलिएगा वे लोग अपना काम करेंगे, घर में हम लोग अकेले रहते हैं, आके माचिस मार देगा पेट्रोल छिड़क के। बाकी इतना स्पष्ट कहना चाहेंगे, जब आंदोलन करने के लिए निकले हैं डर और भय को घर के भीतर रख के आए हैं, मौत से बुरा कुछ नहीं होता है, और आप हम तो एक इंसान हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का नरसंहार हुआ है कलम से, ऐसा नरसंहार हुआ जिसका इतिहास में कोई हिसाब नहीं है, कहीं कोई हमारी चीख को लिखा तक नहीं गया है, हमारी चीख मिट्टी के नीचे दफन हो गई है, कहाँ नहीं दफन हुई है, चांडिल के डैम में, टाटा के खदान के नीचे, टाटा कारखाना के नीचे, HEC में, रांची की HEC में, रामगढ़ के खदानों में, बोकारो का सेल में, और धनबाद की कोयला खदानों में हमारी चीख दफन हुई है, कितना दफन कीजिएगा? आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। अच्छा लगा आज आपका मैनेजमेंट, अच्छा था, बहुत अच्छा मैनेज किए थे आप, बहुत शानदार मैनेजमेंट, ना सा छात्र इसको डराने के लिए था ना इतना फोर्स, गिने हम लोग 12 का गाड़ी था, बहुत बढ़िया है। और कोसमाटाड़ मोड़े तो देख लिए हम लोग, घूम आए, अब जानबूझ के नहीं ना आपको पकड़ाने दे देंगे, आप जिस दिन पकड़ लेंगे उस दिन खड़ा हो जाएंगे, भागेंगे नहीं, लेकिन हाँ शर्त है पीट पाट नहीं करना है, हम यहां मारना चाहिए यहां मारना है, क्योंकि हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे, घायल कीजिएगा तो इलाज नहीं कर पाएंगे, इलाज नहीं कर पाएंगे। पता है सुबह से दर्जनों लोग फोन किए कि सिंदरी नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है, हम बोले नहीं भाई कह लियो तो ये वो, क्योंकि अगर हम आज डर जाएंगे तो ये लोग जो आज संघर्ष कर रहे हैं उनकी उम्मीदें 10 साल पीछे चली जाएगी, उनका डर उन पर हावी हो जाएगा, इसीलिए हमें अगर जरूरत पड़ा अपनी आहुति देंगे, लेकिन हमारे लोग बहुत दिन के बाद जागे हैं, उनमें हिम्मत आया है, उस हिम्मत को खत्म नहीं होने देंगे, अगर वह उस हिम्मत को बरकरार रखने के लिए, उस हिम्मत को ऊर्जा भरने के लिए
अगर हमें अपना बलिदान भी देना पड़े तो हम झुकेंगे नहीं। अशोक दा, हम लोग रोने वाले नहीं हैं। और हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है। अच्छा तो फिर तो 20 गाड़ी, हमने तो 12 गाड़ी गिना लगे, 20 गाड़ी। जैसे आप ओसामा बिन लादेन को कोई पकड़ने निकला है, 20 गाड़ी अपराधी, जरा मत अपराधी, 20 गाड़ी ठीक है सर, जो आपको बुझाता है। लेकिन हाँ, सम्मान आपका करते हैं, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ने वाले छात्र थे, ख्वाहिश था हम लोग का भी कि JPSC क्लियर करके हम लोग भी DSP बने। सम्मान आपका करते हैं, आपने मेहनत किया है। लेकिन आज आप चंद मुट्ठी भर दबंग उनके सामने असहाय महसूस करते हैं, जो अपराधी हैं उनको नहीं बोल पाते, हमको अपराधी बोलते हैं। ये 20 गाड़ियां अगर दबंगों के घर के सामने खड़ी होंगी, कोल माफियाओं के आगे पीछे घूमेंगी, तो सच में उनमें डर होगा और प्रशासन का प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा। बाकी स्पष्ट कहना चाहेंगे, आपको कैसे आभास होगा 2 रुपया डिसमिल आपका जमीन नहीं लिया गया है। सर जहां आप सिंदरी में है ना बैठ के, वो जो चिमनी को धुआं जो उड़ रहा है ना, वो जितना भी जमीन है ना, हमारे लोगों का गया है। लगभग लोग कहते हैं 60 गांव, 60 गांव समझ रहे हैं, हमारे 60 गांव चीख रहे हैं, हमारे 60 गांव कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं, आज भी इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारी हरी भरी जमीन है, हमें कोई लौटा दे। लेकिन हमें क्या मिला? धुआं, विस्थापन, पलायन, गाली और अपराधी जैसे शब्द मिले। जोहार जोहार जोहार, बस इतना ही कहेंगे। ये लड़का बहुत जिद्दी है, मरना पसंद करेगा, डरना नहीं। और हाँ, स्पष्ट एकदम खुले मन से जब भी सामना हो, अपने अपराधी कह ही दिया है, अपने लोगों को आदेश दे दीजिएगा, वे हिचक नहीं करेंगे, लाठियां बिल्कुल ना चलाएं, चलानी हो तो गोलियां चला दें। और आप तो अधिकारी हैं, आपके लोग काफ़ी तेज हैं, कुछ ना कुछ कागज में लिख ही देंगे, नहीं तो जेब में कुछ ना कुछ भर ही देंगे। और इतिहास तो यही रहा है, क्योंकि तो चाची में बैठे हैं सर, हम देखे हैं हमारे लोगों को किस प्रकार प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उनके जेबों में क्या क्या भर देती है। जोहार रहेगा। पुनः आपको जोहार करते हैं। और हाँ, आज आपका रुतबा देखकर डर नहीं बल्कि साहस लगा, सच में साहस, हिम्मत लगा, बेटा हमको पकड़ने के लिए 20 को गाड़ी आया है, हिम्मत लगा। अरे मार भी दीजिएगा, मर भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया बोलेगी चले वो MA और अभी PhD करने वाला छात्र, जिसको कल तक कोई जानता नहीं था, आज उसको प्रशासन घेरने के लिए 20 को गाड़ी लेकर आई है, 100 पुलिस और 12 को कम से कम थाना प्रभारी। सही बात इंदुदा लिख रहे हैं कि आपको कोयला चोरी करते हुए साइकिल में ठेलता हुआ कोयला चोर दिखता है, हाइवा वाला नहीं दिखता है सर, हाइवा वाला को देखिए ना, ए सर हाइवा वाला कोयला चोर को देखिए, साइकिल ठेलने वाला आपको दिखता है, गजबे करते हैं आप लोग। खैर आप क्या करेंगे, आप ड्यूटी करते हैं, ये बस यही कहेंगे। जिस समय आप छात्र थे और कितना ख्वाब देखते थे कि हम ईमानदारी के साथ ड्यूटी करेंगे, निडरता के साथ ड्यूटी करेंगे, निष्पक्ष होकर ड्यूटी करेंगे, बस निवेदन है वही ईमानदारी के साथ ड्यूटी करें। चोर को चोर कहिए सर, दबंग को दबंग कहिए, हम छात्रों को झूठ मूठ का अपमान ना करें। BCCL बिल्कुल मिथिलेश मंडल दा, BCCL का जमीन भी हम लोगों का है, झारखंडियों का है। सही बोले पिंटू यादव दा, हम भी एक दिन अब स्पष्ट बोलते हैं, राजगंज से पार हो रहे थे एक दिन, देखे पुलिस लोग टॉर्च मार रहा है गाड़ी सब में, हम बोले हमें कहा रहा है पैसा मिलता है ना, कहीं हमारा तो चाची में उतना छोड़िए, हमारे वीडियो साहब है, उनको चार चार को पोस्ट मिला है भाई, हमारे वीडियो चार को पोस्ट मिला तो सोचिए कितना मलाई पीट रहे हैं। सुने बालू बंद कर दिया है हम लोग का तो चाची का थाना प्रभारी महोदय, क्योंकि इन लोग दे नहीं रहा था। तो हे महोदय, ये संसार में कोई जिंदा रहने के लिए नहीं आया है, कम से कम गरीब लोग इस तरह ना मरे, नियति उन्हें मारे, प्रकृति उन्हें मारे, समय उन्हें मारे, दिक्कत नहीं है। आप इंसान होकर इंसान को मार रहे हो भाई, आप जो घुसखोरी बढ़ा रहे हो असर कहां पड़ रहा है गरीब आदमी पर, कोई भूख से मर रहा है, कोई दुख से मर रहा है, क्यों? कुछ लोग अरबों खरबों लूट के कमा रहे हैं, तो उसका असर किस पे होगा? गरीब पे होगा ना। समझ में नहीं आ रहा है
देश और राज्य कहाँ जा रहा है। चलिए आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। आपको जब डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो हम लोग कभी डिस्टर्ब मत कीजिए। बाकी आपके बारे में बड़ा अच्छा इससे पहले सुने थे, पुनः अभी भी आपका सम्मान आपके अहदे का पद का। लेकिन ये तो कहेंगे जिस समय आप में जुनून था कुछ बनने का, उस समय आप जिस तरह थे आज नहीं है। वरना आज हमारी कोयलांचल की धरती बहुत सुंदर होती, बहुत मनोरम होती, और यहाँ के लोग आनंद के साथ अपना जीवन यापन करते। इसलिए धौंस जमानी है, वहां देखिए चार गो लोगों को दन 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 से ऐसे ठोंक देती है, जिसको कितना बड़ा उन लोग उग्रवादी था। अरे पेट की आग को बुझाने के लिए कोयला ही तो चुनने गया था, ठीक है अवैध ही था, पेट की आग के लिए था। पेट की आग बुझाने के लिए बेचारे दो मुट्ठा कोयला, दो बोरा कोयला चुनने गए थे। अरबों खरबों रुपया रोज कमाते हैं, आपको जानकारी है कि नहीं? हमारे धनबाद के कोयला माफिया जो पॉलिटिकल जिनको सपोर्ट है, किसी का गोवा में, किसी का दुबई में, किसी का सिंगापुर में फ्लैट है कोयला का पैसा से। हर कोई अपना घर को चूल्हा जला रहा है, उसको गोली लग रहा है। पता नहीं ये पैसा लोग कहाँ भर के रखेंगे।